हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट अ रेक्टेंगुलर सम हैज एन इनर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 24 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। वाटर फ्लोज थ्रू एन इनलेट पाइप एट 180 मीटर पर मिनट। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप इज 0.5 मीटर स्क्वायर। द टैंक टेक्स हाफ एन आवर टू गेट फिल्ड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सम इन मीटर। ऑप्शन आर 4.625, 6.125, 5.625, 5.125। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्वम्प है, ओके, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 24 मीटर और ब्रेथ हमें दे रखी है 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सम, लेंथ ऑफ सम, इसको हम बोल देते हैं स्मॉल एल, और ये हमें दे रखी है 24 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ ऑफ सम हम ले लेते हैं स्मॉल बी, और ये हमें दे रखी है 20 मीटर। ओके, और हमें बोला है कि एक पाइप में से जो वाटर जा रहा है वो कितना जा रहा है, 180 मीटर पर मिनट जा रहा है, और उसका उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर है, और ये जो हमें टैंक दे रखा है ये हाफ एन आवर लेता है फिल होने के लिए। तो हमें बताना है कि इस टैंक की डेप्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट द डेप्थ ऑफ सम बी स्मॉल एच मीटर। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, जो भी वाटर पाइप से, जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप से आउटलेट होगा वही टैंक में जाके फिल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि जब पाइप से वाटर निकलेगा तो ये टैंक में फिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, अब हमें निकालना है कि एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आउटलेट हो रहा है पाइप से। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें कितना दे रखा है, 180 मीटर पर मिनट, इसका हमें रेट दे रखा है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 180 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि अगर ये हमारे पास पाइप है, ओके, ये हमें लेंथ दे रखी है पाइप की, ओके, और इस लेंथ के अकॉर्डिंग ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से पानी बाहर आएगा, वाटर बाहर आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 180 इंटू 0.5, और ये हमारे पास हो जाएगा मीटर क्यूब पर मिनट, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 90 मीटर क्यूब पर मिनट। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो गया, 90 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है टैंक टेक्स हाफ एन आर टू गेट फिल्ड। टैंक को हाफ आवर लग रहा है फिल होने में, तो इट मीन्स टैंक को कितने मिनट्स लग रहे हैं फिल होने में, 30 मिनट्स। ओके, अब हमने यहाँ पे देखा था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पर मिनट 90 मीटर क्यूब, इट मीन्स 1 मिनट में हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटलेट हो रहा है पाइप से, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये हो रहा है हमारा 90 मीटर क्यूब। ओके, तो 30 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटलेट होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 इंटू 30, विच इज इक्वल टू 2700 मीटर क्यूब। इट मीन्स जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि हमारे पास
टैंक में डिस्चार्ज हो रही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है हमारी 2700 मीटर क्यूब, ओके। और ये टोटल वॉल्यूम किस में डिस्चार्ज हो रही है, रेक्टेंगुलर स्वाम्प में, टोटल वॉल्यूम स्वाम्प में डिस्चार्ज हो रही है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर स्वाम्प के, ओके। और यहां पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, या फिर हम इसे कह सकते हैं डेप्थ। ये हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, और ये की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारी कितनी है, 2700, और ये किस में ट्रांसफर हो रही है, रेक्टेंगुलर स्वाम्प में। तो रेक्टेंगुलर स्वाम्प की एक लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी या फिर डेप्थ होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ हमने ली है स्मॉल एच, तो ये हो जाएगी हमारे पास स्मॉल एच। तो 2700 लेंथ हमें दे रखी है 24 मीटर, और ब्रेथ हमें दे रखी है 20 मीटर, तो इंटू एच। तो हमारे पास यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 2700 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 24, ओके। और ये हमारे पास होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ओके। और ये हमारा 135 टाइम्स कैंसिल, ओके। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5.625 मीटर, ओके। तो हमारे पास जो हाइट आएगी या फिर डेप्थ आएगी रेक्टेंगुलर स्वाम्प की, वो आएगी 5.625 मीटर, ओके। और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। थैंक यू, होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।